तो फाइनली कल जो हमने सगर से हमारा रुद्रनाथ ट्रैक था वो हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, और आज सुबह हम निकले हैं रुद्रनाथ टू अनसुया ट्रैक। अब मैं अपने साथी पार्टनर परमेश्वर देवेंद्र के साथ निकला हूँ। ये पीछे जो मंदिर छूट चुका दिख रहा है आपको 2 किलोमीटर पीछे, ये रुद्रनाथ मंदिर है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया था और अब हम निकलेंगे अनसुया मंदिर के लिए। तो गाइस हमें रास्ता तो पता नहीं कौन रास्ता कहाँ से जाता है क्या जाता है, सो देखते हैं। निकलना तो शुरू कर दिया, कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं एक बार कैमरा मैन से कहना चाहूँगा कि थोड़े लोकेशन दिखा दे आप, ये पीछे अभी जो बादल लगे हैं साफ नहीं दिख रही, ये हो गया। देन मेरे लेफ्ट साइड है फिर बुग्यालपुर है, और ऊपर देखिए पीक दिख रही है जो हमें, ये टॉप पीक है जो इनकी हाइट है अभी लगभग लगभग 4000 मीटर करीबन इनकी हाइट है, और जो मंदिर की हाइट है वो है आपकी 3500 मीटर। ठीक है गाइस, मिलते हैं ट्रैक पे आगे। तो जो हमारा अनसुया माता मंदिर के लिए जो ट्रैक है यहाँ से शुरू होता है, और अभी हम यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर, जो आपको ये रिज दिख रही है व्हाइट सी बर्फ़ गिरी है जहाँ, अभी एक बार हम इस रिज पे चढ़ेंगे देन वहाँ से नीचे उतरेंगे। एक बार देख लीजिए जो रिज है ऊपर वो हल्की सी बर्फ़ गिरी हुई है जहाँ, और जो पीछे रास्ता छूट चुका है हमारा, ये हमारा सगर वाला रास्ता है जिस रास्ते से हम कल आए थे, और जहाँ ये पॉइंट दिख रहा है आपको तो यहीं से अनसुया माता मंदिर और सगर वाला जो रास्ता है दोनों अलग हो जाते हैं। अभी हम जा तो रहे हैं अनसुया ट्रैक के लिए इस रास्ते ऊपर, तो देखते हैं कैसा रास्ता है, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा बीच में रास्ते के बारे में। तो सी यू गाइस, बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं उस रिज के टॉप पे जो मैंने आपको अभी बताया था, अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो देखिए कितनी गहरी खाइए हैं यहाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और खूबसूरती बेमिसाल है यहाँ की। तो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं इधर, कुआं है इधर है खाई, अब सीधे सीधे जाना है भाई, ये देखो जी। ये देखिए जिस सामने आपको ये रिज दिख रही है, यहीं अभी हम चल रहे थे और यहाँ से अभी हमने ये पगडंडी पकड़ी है, तो इसी के सहारे अब हम सीधे सीधे आगे जाएंगे। और देखिए दोस्तों नीचे जो खाई आपको दिख रही कितनी गहरी खाई हैं, इन खाइयों के बारे में कहावत है कि जो यहाँ से गिर गया वो गिरता नहीं उठ जाता है। तभी हमने पगडंडी पकड़ी है, अब यहाँ से सीधे सीधे आगे निकलेंगे हम अनसुया मंदिर के लिए। तो आप देख सकते हो नीचे जो ये खाई हैं कितनी गहरी हैं, और व्यू देखिए दोस्तों नीचे का, सच में बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये अभी सामने चलने जा रहे साथी हैं, और जो अभी सामने आपको रिज दिख रही है वहाँ से शायद रास्ता डाउन है आगे को। देखिए अभी कितनी हाइट पर हम चल रहे हैं, और ये बिल्कुल टॉप है पिक का। तो गाइस मिलते हैं थोड़ा आगे। चलिए हम पहुँच गए जन्नत, जो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, आप देख सकते हो भाई क्या पहाड़ है यार, और कहाँ हम खड़े हैं अभी, ये पहाड़ियाँ देखिए, जो बादल है ना वो भी नीचे दिख रहे हैं हमारे, देखिए बादल भी नीचे दिख रहे हैं भाई, सच में अल्टीमेट व्यू है, ऑसम व्यू देख सकते हो आप नीचे क्या पहाड़ है। अभी पहाड़े पिछले 6 महीने से बर्फ़ से ढकी हुई थी, अभी जो है कि बर्फ़ पिघल गई उसका हमें काली पड़ गई, पर दोस्तों यकीन माने सच में जन्नत है जन्नत, ऑसम। और पीछे का व्यू देखिए, जो व्यू दिख रहा है पीछे से, अभी जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं ये रास्ता भी नीचे हमें हंस बुग्याल की तरफ लेके जाएगा। हंस बुग्याल के बाद जो आएगा वो हमारा अत्रमुनि आश्रम आएगा। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली जो हमारा ट्रैक था वो आधा ख़त्म हो चुका है, जो आपको ये ऊपर पिक दिख रही है 4000 मीटर जो इसकी ऊंचाई थी, यहाँ से दिख नहीं रही अभी पूरी, बादलों से ऊपर है वो पिक, वहाँ से अभी नीचे उतर रहे हैं। तो आधा ट्रैक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब बस यहाँ से हमें आधा नीचे उतरना है, तो उम्मीद है कि हम जल्दी ही नीचे पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद भी हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। तो मिलते हैं गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।